और माफी होती है मजबूरी की, गफलत की माफी नहीं होती। जो बच्चा कहे ना आके स्कूल के घर में फौतगी हो गई थी, बीमार हो गया था, तो उसे उस्ताद कुछ नहीं कहते, बिठा लेते हैं। और अगर घर में पता हो कि घर से तो गया था पर स्कूल कॉलेज मदरसे गया, उसको भी उस्ताद माफी देते हैं घर वाले, क्योंकि ये मजबूरी नहीं, ये गफलत है। हमारा मसला ज्यादा मजबूरियों का नहीं, हमारा मसला गफलतों का है। हम सुस्त हैं, हमें पता सारा ही है। एक तरह बल्लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, हमारा रौला गफलत का है। देखे ना सियासता में हदीस मौजूद है, एक जंग में सहाबा कहते हैं, हमने अर्ज किया था या रसूलल्लाह इस जंग में तो हमने बड़ी मेहनत की, अल्लाह बड़ा अजर देगा, तो हुजूर ने फरमाया कुछ सहाबा ऐसे हैं जो मजबूरी की वजह से आ नहीं सके, आए नहीं, लेकिन घर बैठे बैठे अल्लाह उन्हें भी उतना अजर देगा जितना तुम्हें सफर करने पर अजर दिया है, उतना ही उन्हें घर बैठे मिलेगा जितना तुम्हें जिहाद करने पर अजर मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? लेकिन हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला ने फरमाते कुछ मुझसे सुस्ती हो गई थी एक जंग में, मैंने कहा कल चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, तो रह गया क्या नहीं। कहते मुनाफिकों ने तो झूठ बोल दिए, ये मजबूरी थी, ये मजबूरी थी, हुजूर चुप कर गए। मैंने कहा हुजूर गलती हो गई थी, भूल गया था, भूल गया था। कहते 50 दिन हुजूर नाराज रहे, अपने लिए तो 3 दिन से ज्यादा रहना इजाजत नहीं, लेकिन ये तो दीन के लिए है ना। 50 दिन हुजूर ने नाराजगी रखी, मैं जाता था पर जब मैं हुजूर को देखता था तो सरकार चेहरा फेर लेते थे, और मेरे जब इधर उधर ध्यान होता था तो हुजूर देखते थे, यानी मैं वेखा ते महबूब ना वेखे, जदो ना वेखा ते वेखे, एडे नसीब कितों तत्तड़ी दे, वो मेरे बेच वेखन दे वेखे, यार ते तेरे अंदर बसदा है, तेनू एवें ही पैन भुलेखे, पर गुलाम फरीदा असां बुवे यार दे मरना पावे वेखे या ना वेखे। ये भी तय है। कहते गया नहीं, बड़ी बड़ी आफरें आई, मुल्क शाम के लोगों ने आफर की, पर मैं रोया, मैंने कहा मैं सुस्त थोड़ा सा हुआ हूँ, गलती हो गई है, पर मैं कोई महबूब का गद्दार तो नहीं ना, मेरा बोले या चोले या माफ करी, गलती हो गई ना। कहते हैं फिर मुझे अल्लाह ने शान ये दी कि मेरी तौबा का ऐलान कुरान ने फरमाया। दोस्तों ये जो है ना, हम हमारा रट्टा ये है कि हम अपने असल मकसद से हट गए, इधर उधर का सारा ही पता है, फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, फलाना किधर चला, ना अपना असल काम करें, असल अपनी असल ड्यूटी करें, असल काम करें अपना, जो असल काम है ना उससे पीछे हटना, असल काम।